तो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो गाइज, अभी तक आपने तो फ्री फायर रिडीम कोड को रिडीम कर लिया होगा, लेकिन उसमें भी एक बड़ी चीज़ हो रही है। मतलब बहुत से लड़कों का क्या है कि आईडी अपनी लॉगिन नहीं हो रही, जो फेसबुक की अपनी आईडी होती है वो लॉगिन हो ही नहीं पा रही है। वो भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूँ वो आपको कैसे क्या लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को आपको पता ही होगा ना, और आपको क्या करना, पासवर्ड को चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद क्या करना मैं आपको बता लेता हूँ। चलिए यहाँ पर चलते हैं ना, अभी देखते हैं। मेरी भी आईडी अभी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ये वाला सिचुएशन आ रहा है। तो अभी मैं क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ से जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पर क्या करना है, आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालने के बाद अब क्या करना है कि आपको लॉगिन करने की कोशिश करना है, क्योंकि एक ही बार में आपका लॉगिन हो जाएगा। आप देख लेना यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर बस मेरी डायरेक्टली लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर जॉनी गेमिंग नाम से मेरी ये वाली आईडी आ चुकी है। एंड अगर आपको अभी तक रिडीम कोड पता नहीं है, तो रिडीम कोड भी मैं बता लेता हूँ अपनी दूसरी। मतलब आपकी अगर कोई नूब वाली जीमेल बहुत सारी हो, तो उनमें भी आप चाहे तो ये रिडीम कोड यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मेरे पास इतनी सारी जीमेल है, तो यहाँ से मैं ये वाली ले लेता हूँ और यहाँ पर जाके ये रिडीम कोड डाल लेता हूँ। देखना अभी अभी कॉन्ग्रेचुलेसन आ जाएगा। तो ये वाला रिडीम कोड है, अगर आपको नहीं मिला है अभी तक, तो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपके उधर जाके डाल लो भाई साहब। ये देख सकते हो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू जस्ट ओपिनियन FFACC के, मतलब अपनी 6 लाख की वॉचिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो आ चुका है। तो इसे अभी मैं कर लेता हूँ क्लेम। ओके भाई, तो बस गाइस यही आपकी ट्रिक है। अगर मुझे पता है बहुत से लोगों की नहीं हो रही, यहाँ से लॉग आउट करना, यहाँ से फेसबुक पे जाना, अपनी फेसबुक की आईडी पहले लॉगिन करके रखना अपने फेसबुक पर, पासवर्ड चेंज करके आ जाओ। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तभी ऐसा नहीं हो रहा है, अगर पासवर्ड याद होगा तो आपका हो जाएगा। बस अच्छा गाइस, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।